नॉमनक्लेचर का एक आउटलुक देख लेते हैं। किसी भी कंपाउंड का आप आईयूपीएसी नेम लिखते हो ना अगर, तो उसके फाइव पार्ट्स होते हैं। कौन से फाइव पार्ट्स होते हैं, उनका क्या मतलब है, ये हम देख लेते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है नॉमनक्लेचर का, उसको बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ, ध्यान से सुनो इसको, नंबर ऑफ कार्बन्स इन पेरेंट कार्बन चेन। ये ध्यान से देखना, वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन्स इन पेरेंट कार्बन चेन। अगर पेरेंट कार्बन चेन में एक कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, दो कार्बन है तो इथ बोलेंगे, तीन है तो प्रॉप बोलेंगे, चार है तो ब्यूट बोलेंगे, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो पीछे लगे, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स तीन तरह का हो सकता है, एन होगा, या तो एन का मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, या फिर इन होगा, इन का मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड है, या फिर आइन होगा, आइन का मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ये ध्यान से सुनना। फिर है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स पता क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अगर अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक ही सीनियर होता है, बाकी सारे जूनियर होते हैं, तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो यहां आता है। ओके, 2 डिग्री सफिक्स में कौन आता है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप आता है। फिर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब आगे लगने वाली चीज। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स पता कौन सा होता है? साइक्लो। साइक्लो पता कब लगता है? अगर कंपाउंड साइक्लिक है, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो। अगर कंपाउंड ए साइक्लिक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, फिर होता है 2 डिग्री, नहीं नहीं वो नहीं, फिर है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स पता कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स और जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? एक होती है पेरेंट चेन, पेरेंट कार्बन चेन के साथ जो ब्रांचेस लगी होती हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखते हैं, या फिर वो फंक्शनल ग्रुप जो सीनियर नहीं है। ये मैंने यहां भी बताया ना, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसमें से एक ही सीनियर होता है, बाकी जूनियर होते हैं, तो सीनियर वाला तो 2 डिग्री सफिक्स में आएगा, जूनियर वाले 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएंगे। तो ये पांच पार्ट होते हैं आईयूपीएसी नेम के। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो, डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ 2-क्लोरोहेक्सेन। आपको 2-क्लोरोहेक्सेन की स्ट्रक्चर लिखनी है, तो जो भी ये नाम है ना, इसको आपको हमेशा पांच पार्ट में देखना है, इसको हमेशा एक साथ मत देखने की कोशिश किया करो। सबसे पहले आप इसमें वर्ड रूट देखिए। वर्ड रूट क्या है? हेक्स। हेक्स का मतलब छह कार्बन है। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सी 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 सी, छह कार्बन ड्रॉ कर दिया, हेक्स ड्रॉ कर दिया। अगला क्या है? एन। एन क्या है? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स एन मतलब सारे के सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। चलो एन भी हो गया। फिर क्या यहाँ पे क्या साइक्लो लगा हुआ है? नहीं, साइक्लो नहीं लगा, मतलब कंपाउंड ए साइक्लिक है, रिंग नहीं बनानी आपने। फिर क्या है? यह है 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या है? 2-क्लोरो क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसका मतलब आप दूसरे नंबर पे एक क्लोरीन लगा दो, ये इसका नाम हो गया। अब क्या है? बाकी जितने कार्बन ने चार बॉन्ड बनाने हैं, जितने बॉन्ड तो बनाया ये तो ठीक है, बाकी आप हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? तीन। यहाँ कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाया तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? एक। टोटल चार करना है ना, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे बताओ? दो। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। तो ये आ गया कंपाउंड, दिस इज 2-क्लोरो हेक्सेन। समझ
समझ में आई बात। अगला है पेंट फोर इन टू ऑल, ये देखो क्या है, अगेन इसको आपको ब्रेकअप करना है। वर्ड रूट क्या है पेंट, यहां वर्ड रूट है मतलब कितने कार्बन, पांच, पांच कार्बन हो गए। फोर इन, फोर इन मतलब चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, फोर इन, तो 1 2 3 4 चौथे पे डबल बॉन्ड है। देखो आप पांचवे पे भी बोल सकते हैं डबल बॉन्ड, लेकिन चौथे पे बोलोगे डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में होगा तो जो कम नंबर वाला कार्बन है उस पे बोलोगे कि डबल बॉन्ड है, ठीक है बात। तो फोर इन हो गया, टू ऑल, ऑल जो होता है ना वो अल्कोहल के लिए होता है। देखो फोर इन था 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, ऑल है 2 डिग्री सफिक्स। ऑल होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए, जब भी ऑल आए मतलब ओ एच लगा हुआ है, ओ एच एल्कोहल। ऑल किसके लिए होता है ये बात नोट कर लो, एल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑल, ऑल, और वो ओ एच होता है, तो यहां पे एक ओ एच लगा दो, कितने पे, दूसरे नंबर पे, ठीक है ये बात लिख लेना, एल्कोहल को ओ एल लिखते हैं। अब कार्बन का हाइड्रोजन पूरा करना है कितने लगा दो बताओ, 3, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे इस वाले पे 1, यहां पे 2, क्योंकि दो बॉन्ड तो इसने यहां बना रखे, दो और बनाए, तो ये है पेंट फोर इन टू ऑल, ये वाला कंपाउंड यहां बना हुआ है, ये बना हुआ, ठीक है। अगला, अगला है 3-नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, छह कार्बन है और साइक्लो है 1 डिग्री, साइक्लो है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो है, तो छह कार्बन साइकिल में लगाने हैं आपने। तो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दूं इस बार, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन ठीक है ना, बन गया। उसके बाद इन है, इन मतलब एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर क्या है, इन क्या था, 1 डिग्री सफिक्स, दिस इज 1 डिग्री सफिक्स, दिस इज वर्ड रूट, दिस इज 1 डिग्री प्रीफिक्स। 3-नाइट्रो क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो कैसे करेंगे, 1 2 तीसरे नंबर पे नाइट्रो लगा दो, समझ में आ गई बात है, 3-नाइट्रो हो गया, ये क्लियर है, नाइट्रो एनओ टू। देखो ये जो ग्रुप है ना, नाइट्रो या फिर एल्काइल ग्रुप या ओ आर एल्कॉक्सी, ये नाइट्रो है, एल्काइल है, एल्कॉक्सी, इसको एल्कॉक्सी बोलते हैं, आगे आएंगे, या फिर एनओ नाइट्रोसो, या फिर एक्स एक्स मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, इसको बोलते हैं हेलो, मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये हमेशा 2 डिग्री प्री ही आएंगे, ऑलवेज ऑलवेज, ओके ये बात नोट कर लो, ये पांचों ना नोट कर लेना, ऑलवेज 2 डिग्री प्रीफिक्स में ही आएंगे ये, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे मैं एक चीज आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूं, वो है पेरेंट चेन को नंबर करने का तरीका क्या है, वो हम ध्यान से देखते हैं। देखो आप 3-नाइट्रो में कंफ्यूज हो सकते थे कि वो 3 कहाँ लगाऊं, मान लो आप ऐसे कर देते, देखो साइक्लो हेक्सीन तो बना लिया, 3-नाइट्रो हो सकता है आप यहाँ लगा देते, 1 2 3 ऐसे कर देते, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन कहा कैसे करा हमने, हमने करा कैसे एक्चुअली, 1 2 3 हमने यहां लगाया, 3 यहां लगाया, तो इन दोनों में तो फर्क है ना, यहां लगाऊंगा नाइट्रो या यहां लगाऊंगा कंपाउंड, तो फर्क है, तो फिर हम कैसे देखें कौन सा लगाना, इसका रूल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल। ये क्या बोलता है कि आप जो फंक्शनल ग्रुप है और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको मिनिमम पॉसिबल, लोकेंड का मतलब होता है नंबर्स, नंबर्स, लोकेंड क्या होते हैं नंबर्स, वो नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट की या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताते हैं उनको लोकेंड्स बोलते हैं, समझ में आई बात। जैसे यहाँ पे 3, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 2 क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है,
वन क्या है ओएल की पोजीशन बता रहा है, थ्री नाइट्रो, थ्री क्या नाइट्रो की पोजीशन बता रहा है, इनको क्या बोलते हैं लोकेंट्स। समझ में आई बात है? लोकेंट्स आपको इस तरह से, आपको जो पेरेंट चेन है ना, ये पेरेंट चेन 6 कार्बन वाली पेरेंट चेन है ना, इसकी नंबरिंग आपको इस तरह से करनी है ताकि लोकेंट्स मिनिमम हो, नंबर उनका मतलब स्मॉलेस्ट लोकेंट आए। एग्जाम्पल देखो, अच्छा एक रूल और होता है, जब भी आप साइक्लिक कंपाउंड में, जब भी आप साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड को नंबर करते हो तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग आपको कंसेक्यूटिव देनी है। मतलब ये है जैसे 1 2 3 4 5 6, ये गलत है क्योंकि डबल बॉन्ड को कौन से नंबर मिले, 1 और 6, ऐसा नहीं, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार नंबर इसको मिलने चाहिए डबल बॉन्ड को। ये समझ में आई बात है? ऐसे कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलना चाहिए इसको, 1 और 2 साथ साथ नंबर है ना। या आप ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो, वो तो ठीक एक ही बात है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, एक को 1 दे दिया एक को 6 दे दिया, ना ऐसा नहीं करना, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। समझ में आई बात? एक तो रूल ही है। अब देखो ये है, अब देखो अगर मुझे सिर्फ इसको नंबर करना है तो मैं ऐसे ही करूंगा ना, 1 2 3 4 5 6, या तो मैं इसको ऐसे नंबरिंग करूंगा, ये मैंने साइक्लोहेक्सीन ड्रॉ किया, या मैं इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करूंगा नंबर। दो ही तरीके कर सकता हूं। अब 3 पे नाइट्रो लगाना है तो कहां लगाऊं 3 पे नाइट्रो, यहीं पे लगेगा ना, या तो यहां लगा लो, या दोनों एक ही बात है, इसलिए 3 ऐसे यहां आएगा। समझ में आई बात? इस तरह के मैं एग्जांपल और भी बताता रहूंगा जहां पे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। यहाँ पे तो खैर ये था कि जब भी आपको डबल बॉन्ड को नंबरिंग करनी है एक रिंग में तो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो, ये बात आप यहाँ लिख लो कि यहाँ पे वो बात अगर आपको ध्यान नहीं है तो नंबर आप गलत कर सकते हो इसको, ठीक है ना। इसको आप रूल बना के यहाँ पे लिख लो, छोटा सा नोट रूल बना के ना यहाँ नोट कर लो इस बात को। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्स टू इन ऑल। अब यहां देखते हैं, यहां पे अगेन वो ना नंबरिंग वाला रूल फॉलो होगा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो होगा, बताऊंगा कैसे। पहले तो हेक्स है तो 6 कार्बन है, वर्ड रूट क्या है हेक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है साइक्लो, तो एक साइकिल बन जाएगा 6 नंबर का, ठीक है। फिर क्या है 1 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री सफिक्स क्या है, टू इन एक डबल बॉन्ड है, और 2 डिग्री सफिक्स क्या है 1 ऑल। अब इसकी नंबरिंग कैसे करनी है देखो, 1 2 3 4 5 6, देखो आप रिंग की नंबरिंग कहीं से शुरू कर सकते हो, 1 आप कहीं भी दे सकते थे पूरी रिंग में से, पर आप पता है कि जब ऐसा हो ना तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही फंक्शन, यहाँ प्रिंसिपल की बात ही नहीं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप एक ही है ऑल, ऑल मतलब अल्कोहल OH, यहाँ तो इस कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप को आपको सबसे कम नंबर देना होता है। समझ में आई बात? अब अगर ये बात मैं बताऊं फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना होता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, फिर इसको तो 1 देना था दे दिया 1, तो फिर ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, अगर आप ऐसा करते हो तो डबल बॉन्ड को 5 मिल रहा है। देखो पहला, पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम देना है आपको, तो वो तो मैंने फुलफिल दोनों जगह कर दी। दूसरी कंडीशन ये है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद जो बाकी चीजें आती हैं उनको भी कम नंबर दो आप, उनको भी कम नंबर देना आपको, तो इधर डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, इधर डबल बॉन्ड को 5 मिल रहा है, इसलिए ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। हालांकि ये उसने पूछा नहीं था पर फिर भी आपको रूल बताना चाहिए, ये बना दिया हमने। समझ में आई बात? नंबरिंग आप ऐसे ही करोगे, क्लियर हो गया। अगला यहां देखो, यहां जूनियर फंक्शनल ग्रुप और सीनियर फंक्शनल ग्रुप में चॉइस करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले वर्ड रूट क्या है, हेप्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 1 डिग्री सफिक्स क्या है एन, एन है ना, एन मतलब सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। फिर है AL, ये है 2 डिग्री सफिक्स AL, AL मीन्स एल्डिहाइड होता है, AL मीन्स
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब ये वाला ग्रुप, सी एच ओ ग्रुप, समझ में आई बात? एल्डिहाइड, ए एल मतलब एल्डिहाइड, सी एच ओ ग्रुप, ओके। तो ये एल्डिहाइड लगा दो यहां पे, एक लगा दिया मैंने एक एल्डिहाइड यहां पे। अब क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स को है नहीं कोई, साइक्लो तो है नहीं। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 6 हाइड्रोक्सी नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6, 6 पे लगा क्या हुआ है, हाइड्रोक्सी। देखो अभी हमने लिखा था ओ एच को ऑल, अब लिख रहे हैं हाइड्रोक्सी, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। देखो एक तो हो गया ओ एच एल्कोहल, एक तो एल्कोहल हो गया, क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एल्कोहल और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड सीनियर होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, सीनियर। जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो 2 डिग्री सफिक्स में आएगा, पीछे आएगा सफिक्स में, और जो जूनियर, ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है, पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। तो जब भी ओ एच प्रीफिक्स में आए तो उसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तब ऑल नहीं लिखते, तब क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 6 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, समझ में आई बात? अब दूसरी बात आती है, पेरेंट चेन को नंबर कैसे करें। नंबरिंग का आपको इस तरह से करनी है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो फिर इधर से करोगे वन, देखो बीच से नहीं कर सकते नंबरिंग शुरू, या तो इस एंड से करो शुरू या इस एंड से करो, बीच से नहीं कर सकते हो तो शुरू। अगर मैं इस एंड से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, अरे इसको 7 मिल रहा है तो ऐसे गलत हो गया। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को सबसे कम देना है, तो फिर नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से ही करोगे शुरू, 1 दोगे एल्डिहाइड को, जो ब्लैक में करी हुई है वो सही है। समझ में आ गई बात है, जो जो बातें बता रहा हूँ सारे रूल दिमाग में जा रहे हैं ना, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद क्या, ये तो लिख लिया, इसके बाद हाइड्रोजन भी लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितने लगेंगे, 3, यहाँ पे बताओ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2, हो गया ना, ये ऐसे बना लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, ये आपको नाम दिया है कंपाउंड का, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना, ठीक है। एनिसोल, अगर आपको एनिसोल ही नहीं पता तो आप इसका लिख नहीं सकते, इस कंपाउंड को एनिसोल बोलते हैं। अच्छा इसको बोलते हैं बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन, OCH3, दिस इज मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी, मैंने बोला था ना एल्कॉक्सी, ये CH3 मिथाइल है ना, तो दिस इज मिथॉक्सी। ऑक्सी तब लगता है जब ओ के साथ जुड़ा हो पेरेंट चेन से, तो दिस इज मिथॉक्सी। तो इसका कंपाउंड का नाम क्या है, मिथॉक्सी, और ये है बेंजीन, इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन है, ये बेंजीन है, समझ में ही बात, मिथॉक्सी बेंजीन, इसको एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल इसका कॉमन नेम है, और इसको IUPAC ने एक्सेप्ट भी किया हुआ कि ठीक है तुम इसको बोल सकते हो एनिसोल, समझ में आई बात। मिथॉक्सी बेंजीन का जो कॉमन नेम है वो एनिसोल है, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय IUPAC, समझ में आई बात है। तो अब देखो कंपाउंड में आपको क्या पूछा है, ओ का मतलब होता है ऑर्थो, ये लिख लो, ओ का मतलब होता है ऑर्थो। फिर यहां तो एम तो है नहीं, अगर एम लिखा तो मेटा, पी लिखा तो पैरा। ऑर्थो का मतलब होता है 1 2 पोजीशन, मेटा का मतलब 1 3 पोजीशन, पैरा का मतलब 1 4 पोजीशन, क्या मतलब है इसका, देखो आपको लिखना था ऑर्थो इथाइल एनिसोल, ये एनिसोल है मिथॉक्सी बेंजीन, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ऑर्थो मतलब 1 2, तो ऑर्थो इथाइल है मतलब सेकंड नंबर पे इथाइल लगा दो। C2H5 को इथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, सो दिस इज ऑर्थो इथाइल एनिसोल, सेकंड नंबर पे लग गया ना इथाइल, इसलिए ऑर्थो इथाइल, क्लियर होगी बात है। ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज करते हैं, अगर बेंजीन पे दो ग्रुप लगे हो 1 2 पोजीशन पे तो ऑर्थो बोलेंगे, बेंजीन पे दो ग्रुप लगे हो 1 3 पोजीशन पे तो मेटा बोलेंगे, बेंजीन पे दो ग्रुप लगे 1 4 पोजीशन पे तो पैरा बोलेंगे, समझ में आई बात है। तो दिस इज ऑर्थो इथाइल एनिसोल, क्लियर है, ये कौन सा पॉइंट समझ में आया। ऑर्थो देखो ये दो ग्रुप लगे हैं,
कहाँ लगे हैं? वन और टू नंबर पे लगे हैं ना, तो वन टू पे लगा तो ऑर्थो बोलते हैं। और ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है? इथाइल, इथाइल लगा ना। ओके क्लियर होगी बात। ये एनिसोल था तो अगली वाले तो मैटा हो जाता, मैटा इथाइल, अगर ये ऐसा होता ना। पे हाँ देखो, अब ये जैसे ओ सी एस थ्री तो एनिसोल है, अगर मैं यहां लिख देता तो होता मैटा इथाइल एनिसोल। होती हाँ फोर ही होते हैं, फोर तक ही होते हैं ये, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे करते हो। हाँ जैसे अब आपने ऐसा लिखा तो ये हो जाएगा पैरा इथाइल एनिसोल। अगर आप ऐसा करते हो, ओ सी एस थ्री यहां लगाते हो सी टू एस फाइव, तो भी मैटा ही है ये। इधर से करो ना, वन टू थ्री, नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी फिर, तो ये मैटा इथाइल एनिसोल ही है। तीन ही पोजीशन होती है, ऑर्थो पैरा मैटा, बस बेंजीन की। समझ में आई बात है? ये नाम लिख लोगे अब? मेंशन करेंगे तो थ्री इथाइल एनिसोल हो जाएगा ये। हाँ टू मिथाइल एनाफोर हाँ वन टू, हाँ टू इथाइल एनिसोल, इसको टू इथाइल एनिसोल भी लिख सकते हो और ऑर्थो इथाइल एनिसोल भी लिख सकते हो। ऑर्थो एक्चुअली इसका कॉमन नेम है, ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेम होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। पैरा नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा है। अब अगर आपको एनिलीन ही नहीं पता क्या है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते। इसको बोलते हैं एनिलीन। ये बेंजीन है, इसके ऊपर एक एन एच टू लगा दो, बेंजीन अमाइन, दिस इज बेंजीन। ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को अमाइन बोलते हैं, एन एच टू को अमाइन बोलते हैं। तो ये जो कंपाउंड है बेंजीन अमाइन, इसको एनिलीन बोलते हैं, ये आपको याद करना होगा। ओके एनिलीन, तो एनिलीन इसका आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम भी है। आईयूपीएसी ने बोला आप इसको एनिलीन बोल सकते हो, अलाउड है। ठीक है, अब क्या है? पैरा नाइट्रो एनिलीन है, तो मतलब पैरा पोजिशन पे क्या लगा दो? एक नाइट्रो। समझ में आ गई बात है? वन फोर हो गया। देखो दिस इज बेंजाइन बेंजीन अमाइन या एनिलीन, ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट, अच्छा अब देखो पेंट, पेंट मतलब क्या? पांच कार्बन, तो मैं इसका वो बना रहा हूं, बॉन्ड लाइन बना रहा हूं। ओके पांच कार्बन, दो तीन चार पांच, बना लिए पांच कार्बन मैंने बॉन्ड लाइन में, पेंट हो गया। एन लिखा है यहां पे, एन मतलब सारे के सारे जो पेरेंट चेन में कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो मैंने ये भी सेटिस्फाई कर दिया। फिर क्या है? वन फिनाइल, फिनाइल पता है किसको बोलते हैं? देखो जब बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ जाए तो उसको फिनाइल बोलते हैं। देखो दिस इज बेंजीन, यस, इसका फॉर्मूला क्या था? C6 H6। इसका मतलब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये होगा ना, ऐसे एच एच भी होंगे ना। आप क्या करो, इसका एक एच हटा दो, एक एच इसका हटा दो, यहाँ पे एक ओपन वैलेंसी रखो, मतलब ये यहाँ पेरेंट चेन के साथ जुड़ेगा यहाँ से। एक एच हटा दी तो क्या होगा? C6 H5, और एक ऐसे डैश दिखा दो, डैश मतलब ये जुड़ने के लिए तैयार है किसी ग्रुप से, ये ओपन वैलेंसी है, इसको बोलते हैं फिनाइल। समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो वन फिनाइल है, वन फिनाइल मतलब यहां पे क्या लगा दें? एक बेंजीन लगा दो। समझ में आ गई बात है? वन फिनाइल, ओए यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे लगना था, मैंने उसी कार्बन पे जोड़ दिया। ऐसे लगाओ तो ऐसे लगाओ ना, ओपन वैलेंसी छोड़ी दी, ऐसे ऐसे लगेगा ना, वो जोड़ा ही नहीं था मैंने उसको। ओफो पेंट बन गया। बना तो हुआ साइड में, ठीक है। ये कार्बन नंबर वन था, टू थ्री फोर फाइव, मैंने वन नंबर पे फिनाइल लगा दिया। ठीक है बात। फिर क्या है? टू थ्री डाई ब्रोमो, टू पे क्या लगा दो? टू पे देखो डाई ब्रोमो मतलब दो ब्रोमो, दो ब्रोमिन लगे हैं, दो क्या लगे हैं? ब्रोमिन। वो कहाँ लगे हैं? एक टू पे लगा, एक थ्री पे लगा, तो यहां देखो एक टू पे लगा दो ब्रोमीन, एक थ्री
थ्री पे लगा दो ब्रोमीन, देखो यही ऐसे ही है ना ये कंपाउंड, ठीक है बात, ये बना लोगे इस तरह से। ओके नेक्स्ट, हाँ अब ये था कि इसको नंबरिंग कैसे करना है, मैं आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का, हालांकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बट फिर भी नंबरिंग कैसे करनी है वो देखना है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो हमारी पेरेंट चेन कौन सी है, वो मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अवर पेरेंट चेन, यस। और हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो पेरेंट चेन के साथ जुड़े होते हैं उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब पेरेंट चेन को नंबर करने का दो तरीके होते हैं, एक तो जो मैंने ब्लैक में करा ऑलरेडी, दूसरा तरीका होगा कि इस तरीके से कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, जो मैंने ब्लैक में करा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो लोकेंट है वो क्या मिल रहे हैं, फिनाइल को मिल रहा है 1, ब्रोमिन को मिल रहा है यहाँ पे 2, और ब्रोमिन को यहाँ पे मिल रहा है 3, लोकेंट 1 2 3 हो गए ना। अच्छा अगर जो मैंने ब्लू में करा है 1 2 3, ब्लैक में कर देता हूँ, जो ब्लैक में उस तरह से लोकेंट मिल रहे हैं 1 2 3। अब जो ब्लू में मैंने करा है लोकेंट कैसे मिल रहे हैं, देखो इस ब्रोमिन को 3 मिला, इसको मिला 4, इसको मिला 5। आपको ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, कौन सा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहां पे सबसे पहला आता है 1, यहां सबसे पहला आता है 3, बस खत्म, इसी के बेसिस पे इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही देखना है आपने, समझ में आई बात। इसलिए जो ब्लैक में करा है वो सही तरीका है, हालांकि क्वेश्चन इस पे नहीं था पर फिर भी बता, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे यही समझाया हुआ, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन एज पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, आपने इसको ऐसे देखो, फिर से ब्रेक करता हूं मैं इसको, पेंट क्या है वर्ड रूट, इन क्या है 1 डिग्री सफिक्स, 2 3 डाइब्रोमो और 1 फिनाइल, ये दोनों क्या है, ये 2 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये दोनों है कि नहीं, ये दोनों 2 डिग्री प्रीफिक्स है। तो मुझे बताइए आपने 2 3 डाइब्रोमो पहले क्यों लिखा, 1 फिनाइल पहले क्यों नहीं लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते थे 1, अरे सुनो ऐसे भी लिख सकते 1 फिनाइल 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन, ऐसे क्यों नहीं लिखा बताओ। यहां पे ना जब आपने सब्स्टिट्यूएंट्स आईयूपीएसी नेम में लिखने हैं तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना है। देखो डाई डाई को कंसिडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डाई को कंसिडर नहीं करते, तो बी कंसिडर होगा और पी कंसिडर होगा, बी और पी में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, बी बी बी, डी तो करना ही नहीं कंसिडर, डाई ट्राई टेट्रा ये तो कंसिडर करते ही नहीं है, तो बी पहले आएगा पी से, तो इसलिए डाई ब्रोमो को पहले लिखा गया, ये ध्यान रखना। ये सारे रूल ना मैंने यहाँ लिख के भी दिए हैं, आपको पढ़ लेना, एक एक रूल जो यूज होता है सारा वो लिख के दिया है मैंने, ठीक है। टेट्रा मतलब 4। अगला देखो बेंजीन, यहाँ पे जो पेरेंट चेन है बेंजीन है, तो बेंजीन बना दो, वर्ड रूट यहाँ बेंजीन है, ओके बना दिया बेंजीन, 2 नाइट्रो 1 फ्लोरो 4 इथाइल, तो पहले तो फ्लोरो लगा दो, लो 1 पे फ्लोरो है, फ्लोरो लगा दिया, 2 पे क्या है नाइट्रो, 4 पे क्या है इथाइल, बन गया सिंपल, देख लो आप 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 पे फ्लोरो, 2 पे नाइट्रो, 4 पे इथाइल। अब यहां देखना आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है इनको, सबसे पहले ई आता है, फिर एफ आता है, फिर एन आता है, इसलिए इथाइल पहले रखा है, उसके बाद फ्लोरो रखा है, उसके बाद नाइट्रो रखा है, समझ में आई बात है। हाँ क्यों नहीं, नंबरिंग आपको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से करनी है, जब आपने नंबरिंग करनी है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से करनी है। देखो अगर मैं इथाइल से करता नंबरिंग, देखो तुम फ्लोरो नाइट्रो और इथाइल, अगर हम इथाइल से नंबरिंग करते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6, तो लोकेंट कौन से आए, 1 3 और 4, अब कौन से आ रहे हैं, अब कौन से आ रहे हैं, देखो 1 2 और 4, अब आ रहे हैं 1 2 और 4, 1 2 और 4, तो 1 ने तो कुछ डिसाइड नहीं किया, यहां नीचे 2 आ गया ना, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। नंबरिंग करते वक्त लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल देखना है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स को जो नंबर मिले वो लोअर होने चाहिए, लोएस्ट होने चाहिए, लेकिन नाम लिखते वक्त आपको प्लेस अल्फाबेटिकली करना है, समझ में आ गई बात है। ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ध्यान रखो इसको,
यहाँ देखो लिखा भी है, तुमने क्वेश्चन पूछा ना, मुझे पता है इस कंफ्यूजन में, इसलिए मैं लिख के दिया है। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन एज पर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। नंबरिंग हमने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो करके दिया है, और सबस्टेंट को जो प्लेस किया है आईयूपीएसी नेम में वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया है। समझ में आ गई बात है? अगला, गिव कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट। तो आपको उसका या तो बॉन्ड लाइन, अच्छा दोनों ही बताना है, बॉन्ड लाइन भी बताना है और कंडेंस्ड फॉर्मूला भी बताना है, और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बताना है। तो देखो, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो इसमें वर्ड रूट क्या है पेंट, तो पहले तो मैं 2,3,4,5 वर्ड रूट बना दिया। 1 डिग्री सफिक्स क्या था एन, मतलब सारे के सारे जो पेरेंट चेन में कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो मैंने सिंगल से जोड़े हैं। क्या कहा आपको 2 डिग्री सफिक्स दिख रहा है इसमें, कोई 2 डिग्री सफिक्स दिख रहा है आपको, तो मतलब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो वो तो नहीं है। फिर क्या है ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल मतलब तीन मिथाइल ग्रुप लगे हैं, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, कहाँ कहाँ लगे हैं 1,2,3,4,5, दो तो लगे हैं 2,2,2,2,4, मतलब एक यहां लगा मिथाइल, एक यहां लगा मिथाइल, एक यहां लगा मिथाइल, एक 2 पे, एक 2 के, एक 4 पे, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। समझ में आई बात है, ये बन गया ना इसका, नहीं समझ में आई बात है? अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखते वक्त ध्यान रखना है आपको, मैं ना स्टेप वाइज करता हूं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, पहले मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखता हूं। देखो है क्या, ये है CH, ये है CH3, 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 ये वाला ना, मैंने इस कार्बन को लिखा है, इस कार्बन को, ठीक है ना। इसके बाद क्या है CH2, इसके बाद है CH, CH3, CH3, यही है ना, ये नंबरिंग ऐसे है, ये 1,2,3,4,5, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ये वाला कार्बन लिख रहा हूं मैं पहले, ये कार्बन, ओ अच्छा ठीक है, ये ना उल्टा लिखा पड़ा है इसमें, ठीक है वो भी ठीक है। सी, ये कार्बन सी है, इसके साथ कितने CH3 लगे हुए हैं, इसके साथ कितने CH3 लगे हैं, 1, 2, 3, तो 3 CH3 लगाओ, लगा दिया। फिर आगे क्या है CH2, यस, उसके आगे क्या है CH, उससे CH के साथ कितने CH3 लगे हैं 2, आ गया ये, यही यहां लिखा है, उल्टा करके लिखा है, मतलब इस एंड से लिखा है ये। समझ में आई बात, ये सी 3 CH3, फिर CH2 CH, ऐसे, वो तो कोई बात नहीं, हाँ एक ही बात है। समझ में आ गई बात है? अब अगला, तो मैंने इसका, अच्छा ये रहा IUPAC नेम इसका, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला ये था, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये गिवन है, हमने ड्रॉ कर दिया, इसमें फंक्शनल ग्रुप नन है ही नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप। अब ये आ गया 2-हाइड्रोक्सी, ये ओइक एसिड है। देखो तो पहले तो, अच्छा हाँ यहां एक ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए, वर्ड रूट क्या है प्रॉप, तो कितने कार्बन लगेंगे 3, 2, 3, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, 3 लगा दिए मैंने। अच्छा अब क्या है, वर्ड रूट था 1 डिग्री सफिक्स क्या है एन, मतलब जब तीनों कार्बन है इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने सिंगल बॉन्ड ही ड्रॉ किया। फिर क्या है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है 2 डिग्री, 2 डिग्री सफिक्स है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ लगा है 1, 2, 3, मतलब तीनों पे एक एक COH लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहां भी लगाओ एक COH, यहां भी लगाओ एक COH, और यहां भी लगाओ एक
OH लगा दिया, 1 2 3 था ना। अब क्या है आपको, कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स दिख रहा है? 1 डिग्री प्रीफिक्स वो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 हाइड्रोक्सी 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है ही नहीं कोई, क्योंकि नहीं। अगर होता तो साइक्लो होता, वो तो है नहीं, है ना। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब ओ एच, कहाँ लगाऊं? सेकंड नंबर पे, तो यहां लगा दो एक ओ एच, समझ में आ गई बात है? ठीक है ना। तो ये देखो, ये नीचे इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनी हुई है। हाँ, इसमें ना सी ओ एच जो है सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, समझ में आ गई बात है? ये बना लोगे। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला कौन सा है देखो, अब ना मैं बीच वाला स्टेप एक्सपेंडेड फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप सीधा बीच वाला देखो। दिस इज सी एस टू, ये सी एस टू है ना, ये रहा सी एस टू, इसके साथ क्या लगा? एक सी ओ एच लगा, एक सी ओ एच लगा दिया इसके। अभी है कार्बन सी, ये रहा ये कार्बन, इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा देखो, एक लगा ओ एच, ओ एच लगा दिया, एक लगा है सी ओ एच, तो सी ओ एच लगा दिया। ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, जो ऐसे जो कार्बन चेन की ब्रांचिंग के बीच में कुछ ऐसे लगा होता है ना सब्सटेंट, तो उसको ऐसे लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, समझ में आई बात? उसके बाद आ गया ये सी एस टू, सी एस टू आ गया, सी एस टू के साथ क्या लगा एक सी ओ ओ एच, तो यहां मैंने एक सी ओ एच लगा दिया। ठीक है बात है? कर लोगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है? दो है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है अल्कोहल। ये सीनियर फंक्शन ग्रुप है, ये जूनियर फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, ओके। ये एक नोट लिखा है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्चुअली ये ना ये ऐसा होता है, यहां मैं बताता हूं, यहां पेरेंट चेन में ना एक्चुअली 5 कार्बन है। देखो आप ये ध्यान से देखना पॉइंट, 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है ना, ये वाला कार्बन भी पेरेंट चेन के साथ ही जुड़ा है ना, तो 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो ये पेंट होना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है प्रॉप। तो हुआ क्या है, जो सी ओ ओ एच वाला कार्बन है उसको आपने पेरेंट चेन में काउंट किया नहीं है, समझ में आई बात? अगर आप सी ओ ओ एच वाला कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते तो आपको यहां लिखना पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि फिर यहां दिखाना पड़ेगा कार्ब कार्ब, क्योंकि आपने पेरेंट चेन में तो काउंट नहीं किया, फिर यहां दिखाना पड़ेगा कार्ब कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप पेरेंट चेन में काउंट कर लेते तो पता क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा पॉइंट। तो फिर ये पेंटेन ओइक एसिड होता, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ओइक एसिड होता, लेकिन क्योंकि कार्बोक्सिलिक लिखा है इसलिए सी ओ एच को पेरेंट चेन में काउंट किया नहीं है उसे, ये पॉइंट यहां लिखा मैंने। ओके, अगला क्या है, हेक्सेन डाई अल। हेक्सेन मतलब क्या, 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन, एन है तो मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डाई अल, एल मतलब नहीं, अल्कोहल मत बोलो, अल्कोहल ओ एल होता है, ए एल एल्डिहाइड होता है, ए एल मतलब सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप। अब सी डबल बॉन्ड ओ एच कहाँ है तो बताया नहीं, कहाँ लगाऊं, एंड पे लगता है सी डबल बॉन्ड एच हमेशा। देखो सी डबल बॉन्ड में एक साइड में एच है ना, एक साइड में एच है तो एंड पे लगेगा, बीच में कहां से लग जाएगा, ये बात समझ में आ रही है? सपोज मैं यहां लगाना चाहूं डबल बॉन्ड, हो तो लगा दिया, एच कहां लगाऊं, कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे ही हो गए। अगर सी डबल बॉन्ड एच लगाना है साइड में ही लगेगा, समझ में आई बात है? तो यहाँ डाईएल लिखा है ना, डाईएल मतलब 2 एल्डिहाइड है, डाईएल का मतलब 2 एल्डिहाइड है, लेकिन 2 एल्डिहाइड कहाँ लगाऊं पोजिशन तो बताई नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों टर्मिनल पे लगेंगे, नहीं समझ में आई बात है? लग गया, बाकी फिर यहां तो एच टू एच टू लग जाएंगे बस, बन गया। अब इसका अगर मुझे बॉन्ड लाइन बनाना तो कैसे बनाऊंगा, नीचे बना देखो, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे इस कार्बन को भी काउंट करना है पेरेंट चेन में, ध्यान रखना आपने, ऐसे इसको बाहर मत कर देना पेरेंट चेन से, ठीक है ना। अगर पेरेंट चेन से बाहर करते तो कार्बेल्डिहाइड लिखते होते हैं, कार्बेल्डिहाइड, वो मैं बताऊंगा बाद में। ए एल का मतलब सी एच ओ वाला कार्बन काउंट करना है पेरेंट चेन में, समझ में आ गई बात है? ये हो गया। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे है? देखो सिंपल सा है, सी एच ओ
चार बार सी एस टू है तो सी एस टू होल फोर सी एच ओ, सिंपल। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, सी एच ओ, क्लियर हो गया। अगला, अच्छा अब ना कुछ कॉमन नेम है यहां पे, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज फॉर, ये कुछ कंपाउंड दिए हैं आपको, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है लिख लो, ये पहली बात तो, सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री, यहां पे एक ओपनिंग छोड़ दो, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, लिख लो ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप, ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, मतलब ग्रुप तो खैर ग्रुप है, इसका नाम आइसो प्रोपाइल है, याद रहेगा। इसका नाम क्या है, आइसो, इसके साथ अल्कोहल लगा मतलब एक ओएच जोड़ दो, एक ओएच जोड़ दिया, इसका नाम है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है ये, ये कॉमन नेम है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अब इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, बना दो लो, बॉन्ड लाइन में क्या है, कार्बन या तीन है, तीन कार्बन तीन डॉट ड्रॉ करो पहले, तो तीनों डॉट्स को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ एक OH लगा दो, बन गया बस। बॉन्ड लाइन में तो हाइड्रोजन तो दिखाने ही नहीं होते, ठीक है ना, यहाँ बनाया हुआ ये रहा, क्लियर। अगला क्या है, टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेनल, ब्रेक करके करना है इसको, एक साथ करने की कोशिश मत करना, देखो ये करा हुआ है, वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, ब्यूट है तो कैसे लिखेंगे, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन ड्रॉ कर दिए, एन एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एल मतलब एल्डिहाइड है, तो यहां पे एक सी डबल बॉन्ड एच है, एच दिखाने की जरूरत थी, हाँ यहाँ पे सी एच ओ कर तो दिया, सी एच ओ लो, ठीक है ना, हो गया ना सी एच ओ, इसको ए एल है ना, तो जो सी एच ओ वाला कार्बन है उसको पेरेंट चेन में काउंट करना है, ऐसे मत कर देना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पहले बना लिया था, ए एल में ऐसे मत कर देना सी एच ओ, गलत हो जाएगा, फिर ये पांच कार्बन हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, समझ में आई बात है, ये चार ही रखने, सी एच ओ वाला कार्बन करना है काउंट पेरेंट चेन में, ठीक है, बन गया ये। उसके बाद क्या है, टू थ्री डाइमिथाइल, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, वन नंबरिंग यहां से क्यों शुरू हुई, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देना होता है, सो वन टू थ्री फोर, टू पे क्या लगा है, देखो मिथाइल कितने लगे हैं, दो डाइमिथाइल, दो मिथाइल है, एक लगा टू पे, एक लगा है थ्री पे, तो एक टू पे लगा दो, एक दो बन गया बस, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्या है, ओन आ गया, ओन 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 मतलब कीटोन होता है, ये नोट कर लो, ओन मतलब कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड, कीटोन हमेशा रिंग के किसी पेरेंट चेन के बीच सेंटर में आएगा, क्योंकि साइड में होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, बीच में आएगा तो कीटोन होगा, ठीक है। अब वर्ड रूट क्या है, हेप्ट मतलब कितने कार्बन, सात, दो तीन चार पांच छ सात, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एन है यहाँ पे, एन मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, फोर ओन, फोर ऑन मतलब चौथे पोजीशन पे कीटोन है, डबल बॉन्ड टू फोर ऑन, बन गया ये।